नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने के मुख्य कारण ये हैं कि इस स्टॉक के अगर पिछले 5 डेज के ट्रेंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव ही है और पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने नियर अराउंड 233% तक के रिटर्न दिए हैं और ट्रेंड देखेंगे तो वन साइडेड ट्रेंड रहा। और नॉर्मली एज अ रिटेल ट्रेडर हमको क्या लगता है कि जिस स्टॉक में 250% के आसपास की तेजी दिख गई उस स्टॉक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें। और बहुत सारे क्वेरी ये आते हैं कि क्या सर इस प्राइस पे बाइंग करें या नहीं करें। तो सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, रिसेंट के क्या न्यूज रहे, कुछ बड़ी खबर भी आई है, कंपनी के ऑर्डर्स भी बढ़े हैं और जब भी इस प्रकार के ट्रेंड दिखे, क्योंकि जब भी इस प्रकार के ट्रेंड दिखते हैं और ये ट्रेंड अगर वैलिड रीजन से नहीं हो तो यहाँ मंदिर जैसे बन करके अगेन इसी के प्राइस पे आ जाता। लेकिन यहाँ देखेंगे कि हर ट्रेंड के बाद स्टॉक रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन कर रहा है, हर ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन कर रहा है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस ट्रेंड के पीछे कुछ बड़े कारण हैं जो इस स्टॉक को जस्टिफाई कर रहा है, इसके ट्रेंड को जस्टिफाई कर रहा है। बहुत सारे न्यूज यहाँ देखेंगे तो ट्रेंड होते दिख रहा है। मल्टीवेगर पेनी स्टॉक अंडर 30 RS दिस हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सुजलोन एनर्जी शेयर टम्बल्स 4% ऑन सिक्योरिंग ऑर्डर फ्रॉम ब्राइट नाइट। और इस प्रकार के मल्टीपल न्यूज आपको ट्रेंड होते दिखेंगे। तो रिसेंट में कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर मिलते हुए दिखी है और ये ऑर्डर क्या है कि सुजलोन एनर्जी बैग्स ऑर्डर फॉर 2.94, यहां देखेंगे 29.4 मेगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी फ्रॉम ब्राइट नाइट। यहां देखेंगे ब्राइट नाइट के साथ कंपनी को एक बड़े ऑर्डर दिखे हैं जहां 14 यूनिट विंड टरबाइन के जनरेटर को कंपनी को इंस्टॉल करने हैं। और किसी भी स्टॉक, मैं इसी स्टॉक का नहीं बोल रहा हूं, जब भी किसी भी ट्रेड में आपको स्टॉक सस्टेनेबल ट्रेंड दिख रहा है इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। क्योंकि जब भी स्टॉक के ऑर्डर बुक स्ट्रांग नहीं हो तो वो ट्रेंड आपको सस्टेनेबल नहीं दिखेगा। इसके साथ ही इसके चार्ट को समझें, इससे पहले इसके फंडामेंटल्स को एक बार देखें तो हमने अर्लियर भी डिस्कस कर रखा है, इस समय सेल्स देखेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट होते हुए सेल्स के नंबर्स अगर आप यहां देखेंगे तो सेल्स के नंबर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कहां कंपनी हेवली लॉस मेकिंग कंपनी थी, इस समय प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़िया दिख रहा है। 15% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी सस्टेन करते दिख रहा है। यहां देखेंगे तो डेट तो कंपनी में काफी नेग्लिजिबल है, नहीं के आसपास ही है। और सबसे बड़ी और अच्छी खबर क्या है यहां देखेंगे तो FI और DI, FI+DI दोनों के ही होल्डिंग बढ़ते हुए दिखे हैं। दोनों ने ही होल्डिंग बढ़ाए हैं और FI और DI कभी भी छोटी होल्डिंग के लिए, छोटी टाइम ऑफ पीरियड या फिर छोटे प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं आता है। इस समय यहां देखेंगे तो ब्राइट नाइट के साथ 29.4 मेगावाट, इससे पहले की न्यूज क्या थी, यहां देखेंगे जो इक्विटी के बदले कंपनी ने फंड रेज करे थे वो इक्विटी जो है कंपनी ने इशू करा। इससे पहले देखेंगे तो इंटीग्रम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऑर्डर कंपनी को मिले थे। इससे पहले अगेन देखेंगे तो बोर्ड हैज अप्रूव्ड कन्वर्जन ऑफ इतना पार्शियली पेड ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फुल पेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्योंकि कंपनी ने कुछ फंड रेज करे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक ही इतना है जो कंपनी को फंड रेज करने पड़े और वो फंड रेज इक्विटी के थ्रू ही हुआ है और वो सभी कंपनी जो है अपने जिससे भी फंड रेज कर रहे हैं उसको इक्विटी देते हुए दिखी है। यहां देखेंगे QIP के थ्रू 2000 करोड़ कंपनी ने रेज करें और जब भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आता है ये 10-20-30% के लिए नहीं आता है। अब बहुत सारे स्टॉक देखेंगे रिसेंट में, इस समय एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड 200 से स्टॉक में 900 तक का, 200 के प्राइस से 900 तक की तेजी दिखी। जब भी QIP किसी स्टॉक में हो उसका मतलब है कि 4-5 गुना कोई बड़ा टारगेट नहीं है। इससे पहले देखेंगे 100 मेगावाट के, इससे पहले देखेंगे 20 गीगावाट के, तो मल्टीपल ऑर्डर कंपनी के पास आते हुए दिखे हैं जो कारण है कि इस स्टॉक में सस्टेनेबल ट्रेंड दिख रहा है। इस समय चार्ट देखें
तो जितने भी ट्रेंड होते हैं, सुपर ट्रेंड या 50 EMA, RSI, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायवर्जन या फिर डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे तो सभी इंडिकेशन जो है ट्रेंड पॉजिटिव के ही दिख रहे हैं। और साथ में टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे, इस समय स्टॉक अपने सेक्टर को कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रही है, यानी मीडियम टर्म के ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव हैं। और एक बार मैं आपको इसके जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो दिखाऊं। यहाँ देखेंगे बंधन फ्लेक्सी कैप फंड के द्वारा इसको ऐड करा गया, यहाँ देखेंगे यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड्स के द्वारा ऐड करे गए। इसके आगे और अगर बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बंधन कोर इक्विटी फंड, बंधन इमर्जिंग, यूटीआई स्मॉल कैप, सभी म्यूचुअल फंडों ने बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड, महिंद्रा, यहाँ देखेंगे महिंद्रा के द्वारा भी करा गया है यूटीआई बंधन, सभी म्यूचुअल फंड के द्वारा, यहाँ देखेंगे मोतीलाल ओसवाल, यानी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो इस स्टॉक में आए हैं जो इसके ट्रेंड को काफी सस्टेनेबल बना के रखा हुआ है। अब एक बार वीकली ट्रेंड को देखेंगे, यहाँ आप क्या पाएंगे कि स्टॉक के ट्रेंड जो है एक बार यहाँ बढ़ा, प्रॉफिट जो भी थे बुकिंग हुई, ट्रेंड बढ़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, ट्रेंड बढ़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, ट्रेंड बढ़ा। इस प्रकार के जो ट्रेंड होते हैं वो काफी सस्टेनेबल होते हैं। सस्टेनेबल कौन सा ट्रेंड? जब इस प्रकार के 90 डिग्री एंगल वाला ट्रेंड बनता है वो स्टॉक सस्टेन नहीं होता है, लेकिन जब भी इस प्रकार के ट्रेंड बने तो वो काफी सस्टेनेबल ट्रेंड होता है। और शॉर्ट टर्म में इस समय जब तक स्टॉक 21 के नीचे नहीं आता है तब तक के लिए जो शॉर्ट टर्म के ट्रेंड हैं वो भी काफी स्ट्रांग है, वो भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पहला ट्रेंड लाइन और दूसरा ये हायर हाई हायर लो के भी ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन दोनों ब्रेकडाउन होंगे। तो शॉर्ट टर्म में 21 के लेवल को याद रखेंगे, इसके नीचे आता है तो एक बार स्टॉक 12-15 के लेवल्स दिख सकते हैं, लेकिन जब तक इस जोन को ब्रेकडाउन नहीं करे तब तक ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है, यानी हमारे पास 12 से 15 और दूसरा 19 से 21, ये दो जोन है इस स्टॉक में एवरेज करने के लिए। और यहाँ देखेंगे ये हैमर कैंडल बने और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, यहाँ थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस 29-30 के आसपास का दिखेगा और इसके बाद के जो आगे के ट्रेंड हैं वो काफी सस्टेनेबल ट्रेंड दिख रहा है। एक बार आपको मंथली चार्ट में दिखाऊं, और यहां अगर मंथली चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ सिंपली क्या पाएंगे, सिंपल आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है कि लास्ट टाइम जो कंसोलिडेट फॉर्म दिखा था, यहाँ ये कंसोलिडेट हुआ और ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ और ये ट्रेंड कंटिन्यू लोअर साइड में रहा है। ऑलरेडी स्टॉक में देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस 30 के आसपास का होगा, यहाँ चूंकि ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस रहा है और 30 के आसपास के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। जैसे स्टॉक में 7-8 के प्राइस से हमने 18 का प्राइस देखा, वैसे ही एक बार 29-30 के आसपास के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद के जो ट्रेंड होंगे वो काफी सस्टेनेबल होगा, जो स्टॉक को नियर अराउंड पहला टारगेट 52, दूसरा टारगेट 92 और तीसरा 120 तक के लेवल्स दिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बिल्कुल आपको पैनिक करना चाहिए। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहें। और यहां मैं ये आपको ट्रेंड दिखाऊं, इस प्राइस से भी स्टॉक में देखेंगे तो नियर अराउंड 400-140 तक के, यानी 400 प्लस तक का गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आपको नेक्स्ट 6 मंथ में ही दिखेगा, लेकिन जिस प्रकार से इसके फाइनेंशियल ट्रेंड काफी इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, डेट लगभग नेग्लिजिबल है, म्यूचुअल फंड की बाइंग दिखी है, कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है और जो विंड एनर्जी है उसकी डिमांड काफी बढ़ते हुए दिखने वाली है, सेल्स नियर अराउंड ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल होते दिख रही है, तो 400% के रिटर्न कोई बड़े रिटर्न नहीं है अगर इस स्टॉक में 3-5 ईयर रुका जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, पोजिशन बनाए रखें एक लंबे टारगेट के लिए। अगर आपके कैपेबिलिटी है, अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो श्योरली पैनिक करे बिना इस स्टॉक में पोजीशन बनाए रखें, एक बड़ा टारगेट आपको इजीली दिख सकता है। और यहां अगर इस स्टॉक के वॉल्यूम को भी देखेंगे, मैं एक बार इसके वॉल्यूम प्रोफाइल को भी दिखाऊं, तो यहां सिंपली क्या पाएंगे,
कि जो 18 के आसपास का जो जोन है, जो हमने कहा कि जब तक इस जोन को ब्रेक डाउन नहीं करे, ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ हायर वॉल्यूम दिखा था और ये एक मेजर सपोर्ट होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब तक ये ट्रेंड 18 के नीचे नहीं आता है, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और बड़े टारगेट भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, आगे की कुछ भी क्वेरी आपको हो रहे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।